चिंचोली में लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में वार्षिक वेतन वृद्धि में रोक लगाए जाने की सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही मुंगेली में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यालय में काम कराए जाने की मांग की गई है। 50 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कराए जाने की भी मांग की गई है। जिलाध्यक्ष एसए रिजवी ने बताया है कि कार्यालय को सैनिटाइज करने के साथ ही मास्क उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भी प्रशासन से बात की गई है। और इस कोरोना काल में हम सभी कर्मचारी लोग अपने आप को यहाँ पे झोंके हुए हैं, और उस स्थिति में अगर हमारा एक वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो एक सजा के तौर पे ऐसी हम शासन से मंशा करते हैं कि इस आदेश को जल्द से जल्द वो निरस्त करें, और ये कर्मचारी हित में और समस्त जितने भी कर्मचारी सभी विभाग के सभी को इसमें किसी प्रकार का नुकसान न हो ऐसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो वर्तमान में उसी प्रत्यक्ष में हमने ज्ञापन सौंपा था, और हम इस ज्ञापन के आधार पर सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे कि वे अपने जो भी कार्ड बनाकर 50% कर्मचारियों के साथ ही अपने कार्यालय का संचालन करें। लेकिन रेड जोन में 30% है ऐसा बताया जा रहा है। जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से हम उनको निर्देशित करेंगे ताकि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।